हम आज देखने वाले हैं कि कैसे एक ऑटोमेटिक डायमंड फार्म बनाया जाए जिसमें आप ब्लॉक्स और ओर दोनों ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रूम बना लेना है कुछ इस टाइप का, और उसे अंदर से कुछ डेकोरेशन दे देनी है और नीचे कुछ चेस्ट लगा देने हैं स्टोरेज के लिए। देन आपको एक कमांड ब्लॉक लेना है कुछ इस तरह से। पहले आपको इस ऑप्शन मेन्यू में जाना है, देन आपको एक कमांड पुट करना है इस बार में। देन आपको एक्टिव करते ही एक कमांड ब्लॉक मिल जाएगा जिसे आपको इन दो कॉर्नर्स में लगाना है कुछ इस तरह से, और उनके आगे एक एक लीवर लगा देना है ब्लॉक के उस साइड में। देन आपको ये वाला ब्लॉक तोड़ना है और उसके बाद ये कारपेट हटाना है। देन आपको एक ब्लॉक रख के उसके ऊपर चढ़ के उसके कोऑर्डिनेट्स ले नोट डाउन कर लेना है। देन आपको ये ब्लॉक्स तोड़ के और ऊपर एक ब्लॉक लगा के इस कमांड ब्लॉक में ये कमांड पुट करना है, और इस बैक वाले कमांड ब्लॉक में ये कमांड पुट करना है। देन आपको कुछ ब्लॉक सेम कमांड ब्लॉक को कवर कर देना। देन आपको एक ट्रैप डोर को कुछ इस तरह से लगा देना है। देन आप जैसे ही इस ब्लॉक को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा आपको डायमंड मिलने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ब्लॉक्स ना स्पॉन हो तो आपको लीवर ऑफ कर देना है। अगर आपको डायमंड ब्लॉक चाहिए तो आप पहले वाले लीवर को ऑफ करके दूसरा लीवर ऑन करके उसे डेक करना स्टार्ट कर दें, तब आपको डायमंड ब्लॉक मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट।